मैं हमेशा से ही किस्मत में बहुत विश्वास करती हूँ। तकदीर जो है इंसान की जैसी लिखी होती है वैसे ही उसकी जिंदगी चलती है, अकॉर्डिंग टू मी। सो बस आई थिंक यही एक बात थी जिसकी वजह से बहुत सारे एड्स मिले मुझे, मगर मुझे करनी हमेशा से मूवीज थी। जब मुझे मूवीज मिलने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि ओ अभी तो सफर और भी बहुत लंबा है। मुझे तो लगा था कि एक फिल्म मिलेगी तो काम खत्म हो जाएगा, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मगर वो एक फिल्म मिलने से मेरी ख्वाहिश शुरू हुई थी। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत और एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है डीसी शो में। जैसे कि हम हर बार लेके आते हैं आपके लिए एक से एक बढ़कर ऐसी शख्सियतें जो अपने अपने फील्ड में बहुत महारत हासिल रखते हैं और उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ, अपने उनके साथ के जो सहकर्मी हैं उनके सामने एक इतने अच्छे माइलस्टोन एस्टेब्लिश किए हैं कि जिसको जिसका एक तरह से हम बोले कि अनुसरण करके और आप अपने जीवन को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं जीवन के संघर्ष को। आज हमारे बीच में मौजूद है एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड, खूबसूरत लेकिन बहुत विद्वान, हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक बहुत शानदार अदाकारा जिन्होंने अपने अभिनय से अपने ढेरों, मैं कहूं सैकड़ों या मैं कहूं हजारों लाखों दीवाने पैदा किए हैं, द वन एंड ओनली अर्जुमन मुगल। नमस्कार अर्जुमन, आपका स्वागत है डीसी शो में। हेलो हेलो दुष्यंत जी, कैसे हैं आप? ऑल वेल। और इससे पहले मैं आपसे कुछ बातें शुरू करूं, मैं आपको कल का एक इंसिडेंट बताता हूं। एक आपके और मेरे पैरेलल मित्र हैं, तो मैंने उनको बोला कि कल इंटरव्यू है, तो ही सेड कि सर किसका है, तो मैंने कहा अर्जुमन का इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने कहा सर एक बात बताइए, मेरी ये समझ में नहीं आता कि कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह छोड़कर ये यहां पे मुंबई में इनका मन कैसे लगता है। तो मैंने उनको आपकी तरफ से जवाब दिया कि एक म्यान में दो तलवार तो रहती नहीं है, तो कश्मीर इतना खूबसूरत है, अर्जुमन भी खूबसूरत है, तो दूसरी तलवार जो है वो मुंबई आके शिफ्ट हो गई। तो मुझे लगता है कि आपको शायद ये बड़ा अच्छा लगा होगा, मेरा जवाब आपकी तरफ से उनको जी था। एनीवेज, आज की हम एक बात शुरू करते हैं दोस्तों अर्जुमन मुगल के साथ में। जी मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, सीधे हम आपके करंट सिनेरियो पे आते हैं। अर्जुमन मुगल ने, जहां तक मेरी मेमोरी काम करती है, आपने 1000 से ज्यादा कॉमर्शियल एड्स किए हैं, वीडियो, स्टिल, लॉट ऑफ, यू डिड मोर देन 21 to 22 फिल्म्स एज एन मेन लीड एक्ट्रेस, बट अनफॉर्चुनेटली रिलीज उसमें से 4 या 5 हुई है फिल्म आपकी मार्केट में। इतना सब करने के बाद में आज आप जिस मकाम पे हैं, उस मकाम पे आपको कैसा लगता है कि अभी आपकी कितनी यात्रा और बाकी है और आपके क्या ड्रीम्स अभी बचे हैं जो आपको पूरे करने हैं? देखिए, एक्चुअली में क्या है कि सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि मैं हमेशा से ही किस्मत में बहुत विश्वास करती हूँ। तकदीर जो है इंसान की जैसी लिखी होती है वैसे ही उसकी जिंदगी चलती है, अकॉर्डिंग टू मी। मगर बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि मतलब आप जैसे आप करते हो चीजें वैसे हम करना चाहते, तो मुझे जैसे लोग मिलते थे, जिस तरह का काम मुझे ऑफर करते थे, उसमें से जो काम मुझे पसंद आता था वो मैं ले लेती थी ना, और उसको बहुत ईमानदारी से, पंक्चुअलिटी के साथ, पूरी मेरी तरफ से मुझे ऐसा मुझे विश्वास था कि जो भी मैं करूंगी सामने सामने वालों के लिए, जिन्होंने मुझे काम दिया है, तो मैं जो भी उनसे पैसा लेती हूँ उसके बदले में उनको मैं जितना वो डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा बेहतर दे सकूँ, बल्कि उससे कम ना दूँ। सो बस आई थिंक यही एक बात थी जिसकी वजह से बहुत सारे एड्स मिले मुझे, मगर मुझे करनी हमेशा से मूवीज थी। मुझे बहुत बड़ी एक एक्ट्रेस ऐसी जिस एक्ट्रेस को हमेशा मतलब सदियों सदियों तक लोग याद रखेंगे। सो बस मैं सिर्फ उसी चीज को देखती रही और उसी को अपना गोल बनाया, और मैं उसी के सहारे अपना काम जो है शुरू किया मैंने, और मैं जो भी काम मुझे अच्छा लगता गया और मिलता गया वो काम मैं करती गई। और उसके बाद में जो फाइनली जब मुझे मूवीज मिलने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि ओ अभी तो सफर और भी बहुत लंबा है। मुझे तो लगा था कि एक फिल्म मिलेगी तो काम खत्म हो जाएगा, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मगर वो एक फिल्म मिलने से मेरी ख्वाहिश शुरू हुई थी। तो मुझे लगा कि ये तो शुरुआत है, तो अब
अब तो वैसा काम करना है जैसा मुझे पसंद है, और जैसा मुझे पसंद है वैसा हर रोज ऑफर नहीं हो रहा है। अभी मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस अपने आप को साबित करूं, और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फिल्में करूं, या फिर आजकल तो बहुत सारी वेब सीरीज आ रही है, बहुत सारे नए पोर्टल्स खुल गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे एक्टरों के लिए बहुत काम है। सो नाउ द टाइम इज गुड एंड पीपल आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड। आपने बाइलिंगुअल फिल्मों में काम किया है, साउथ में काम किया है आपने, और जी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो काम किया ही है आपने। आपको कहते हैं कि साउथ वालों ने, और जैसे एज अ फिल्म मेकर मैं भी उस चीज को फील करता हूँ कि साउथ वालों ने बहुत अपने आप को टेक्निकली बहुत ऊपर ले गए, वो लोग मेहनत बहुत की। मैं ये जानना चाहता हूँ एक आर्टिस्ट अर्जुमन मुगल से कि वो हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है हमारी, जो मुंबई जिसका बेस है, और एक साउथ में हैदराबाद बेंगलुरु यहां पे है, तो एक आर्टिस्ट जो है उनके अंदर का वो किस माहौल में कंफर्ट रहता है, वो वहां ज्यादा खुश रहता है साउथ में या यहां पे ज्यादा खुश रहता है? और मैं हर चीज जो है वो देखना चाहती हूँ कि ये क्या है और इसके पीछे का क्या राज है, और अल्टीमेटली उस चीज के बारे में जानना चाहती हूँ। तो इसी वजह से मैंने ना अलग अलग भाषाओं के अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू किया, जो कि एड फिल्म के लिए तो मैंने ऑलमोस्ट आप समझिए कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सब स्टेट्स के लिए लोकल एड्स किए मैंने बहुत सारे। तो मेरी एक्चुअली उसके पीछे का राज ये था कि मैं हर एक स्टेट के मतलब रहन सहन और वहाँ की सिस्टम और वहाँ के लोग उनकी सोच और उनका वो सब जानना चाहती थी ना। तो इसलिए मैंने मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के साथ काम किया और अलग अलग लैंग्वेजेस में काम किया। सो उससे क्या हुआ कि मुझे आई केम टू अंडरस्टैंड के इनफैक्ट जैसे मैं इंटरनेशनल मार्केट में भी मैंने एडवर्टाइजमेंट किया है। सो मैंने सब जगह पे देखा है इंडस्ट्री सब एक जैसी होती है, हर जगह की इंडस्ट्री एक ही जैसी होती है, ये एक ही काम है, एक ही जैसा काम है, ये सब कर रहे हैं, किसी का नॉलेज कम है किसी का ज्यादा है, किसी के पास ज्यादा सहूलियत है किसी के पास कम सहूलियत है। और वैसे देखा जाए तो मतलब छोटे से छोटे काम से लेके बड़े से बड़े काम तक हर तरह के लोगों को मैंने देखा, तो अल्टीमेटली सबका मतलब काम ही होता है। आपका एज एन आर्टिस्ट जो मोमेंट, जो एक ड्रीम कम ट्रू होता है ना, वो अभी तक के सफर में कौन सा है, जब आप फ्रंट ऑफ द कैमरा यू सेड वाओ एंड यू फील लकी कि ठीक है मैं इनके साथ काम कर रही हूं, इनके साथ काम करना चाहती थी और मैं उनके साथ सेट पे हूं, वो कैमरे के पीछे, मैं कैमरे के आगे? एक्चुअली मैं फ्रेंकली स्पीकिंग अभी तक जितना भी काम मुझे मिला है वो काम मुझे सामने से आया है। मैं उन सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे साथ काम किया, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं मतलब उनकी फिल्मों के हीरोइन हो सकती हूँ। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसा काम मुझे करना है वो अभी बहुत बाकी है, वो अभी अभी मुझे अभी और मुझे आई थिंक मुझे अपने आप को साबित करना बाकी है। वाव मोमेंट अभी आया नहीं है, यू वांट टू से? राइट मोमेंट अभी तक आया नहीं है। कलाकार की खासियत होती है कि वो कभी संतुष्ट नहीं होता, और ये यही बात एक अच्छे कलाकार में होनी भी चाहिए। एनीवेज, टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड। बचपन में अर्जुमन मुगल कैसी थी? क्या शरारतें करती थी या सीधी सादी थी, कैसी थी ये बचपन में? हमारा जो बचपन था मोस्टली मैं स्कूल से जब वापस जाती थी तो जो भी सबक मुझे याद करना होता था, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ती थी, तो जो भी सबक मुझे याद करना होता था वो मैंने एक भैंस पाली हुई थी, और मैं अपने उस भैंस हाँ के ऊपर बैठ उस भैंस पे बैठ के हाँ मैं वो उसको पानी पिलाने दरिया पे जाती थी और बैठ के पढ़ते हुए जाती थी भैंस पे, और फिर वापस आके उसको खिलाना, उसके लिए चारा निकालना, सब चीजें करनी। मैंने ही उस भैंस को पाला था तो वो मेरी भैंस थी, तो वो मेरी जिम्मेदारी थी, तो मैंने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसका ख्याल रखती थी। सो मोस्टली मुझे जानवरों से बचपन से बहुत प्यार रहा है, तो मतलब जैसे गाय भैंस बकरी ऐसी सब चीजें जो घरों में पाली जाती है, तो ये मुझे बहुत पसंद थे बचपन से, क्योंकि हम गांव में पैदा हुए और गांव में ही हम लोग पले बड़े। तो आई थिंक 8th पास करने के बाद में हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए, जब मेरी 8th पास हुई 9th स्टैंडर्ड में हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए मेरे अब्बा जी के साथ। बचपन तो बहुत खूबसूरत था, बहुत अमेजिंग था। हम दरिया पे जाते थे, मतलब दरिया पे हम लोग स्विमिंग करते थे सब लोग मिलके पूरे गांव के बच्चे, और फिर उसके बाद में हमारे गांव में हमारी ड्यूटी होती थी भैंसों को पानी पिलाने लेके जाते थे हम लोग, और दिन में हमारे लिए खाना लेके आते थे दोपहर को लंच,
और वो उसमें मक्की की रोटी, सरसों का साग और लस्सी होती थी, और साथ में चटनियां होती थी या अचार होते थे। तो वो बचपन में जो इंसान खाता है ना, वो हमेशा उसकी याद में रहता है। सो आप मुझे बहुत पीछे ले गए। समय की एक दो बड़ी खास बात है, एक तो जैसा भी हो गुजर जाता है, और दूसरा जी आपको हमेशा वक्त अपडेट रखता है, स्टिल यू आर अपडेट। हम जो कल होते हैं वो आज नहीं है, जो आज है वो हम लोग कल नहीं है। मुंबई शहर का एक अलग स्वैग है सभी आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो इंडिया में कहीं का भी आर्टिस्ट हो, मुंबई का एक अलग ही नशा है। जबकि मैं देखता हूं इट्स नॉट अ प्रॉपरली सिस्टमेटिकल, आप भी रहते हैं, मैं भी उस शहर में रहता हूं। मुंबई को लेके अर्जुमन मुगल का अपना क्या मत है व्यक्तिगत? मैंने जितने भी स्टेट्स देखे हैं इंडिया के, सब जगह पे जितना आप प्राइवेट और कंफर्टेबल आप मुंबई में रहते हो, इतना प्राइवेट कंफर्टेबल आप कहीं और दूसरी जगह पे नहीं रह सकते। तो सब जगह पे आपको लोग मेरे साथ ऐसा है, या मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है, जहां भी आप जाते हो वहां बहुत लोग आपके आसपास रहते हैं, बहुत लोग होते हैं, बहुत घर होते हैं, खुले खुले, सब कोई भी किसी से भी मिलता है, सब जानते हैं। अर्जुमन मुगल सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं, इनकी फैन फॉलोइंग बड़ी गजब की है। मैं इनकी सोशल मीडिया पे फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट्स में फॉलो करता हूँ, इंस्टा में फॉलो करता हूँ, तो आप इनको वहां बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, और हो सकता है अपने नंबर वंबर छोड़ते रहिए, हो सकता है कभी किसी को लॉटरी लग जाए, किसी को इनसे बात करने का रूबरू सौभाग्य प्राप्त हो। जी मैं आपको एक बात बताऊं, क्या क्या ये सोशल मीडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बन चुकी है आज के वक्त में। और लोग तो इतना ज्यादा फोन में रहते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए फोन से दूर होते हैं तो उन्हें बेचैनी होने लगती है, उन्हें तकलीफ होने लगती है, और आदत हो चुकी है लोगों को फोन की, जो कि बहुत ही बुरी चीज है। मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि ये देखो फायदे की चीज है सारी, जितने भी हमारे इंटरनेट की सुविधाएं हमें मिली हैं, ये सब बहुत काम की हैं डेफिनेटली, मगर ये हमें क्या नुकसान दे रही है इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। हर वक्त जो लोग हैं, हर वक्त जो फोन से लगे रहते हैं, वो बहुत ज्यादा वीक, वही फोन ही सबको वीक कर रहा है ज्यादा। तो उससे थोड़ा दूर रहें, थोड़ा इंसानियत को फील करें, और थोड़ा इंसानों की तरह जीने की कोशिश करें। बिल्कुल एकदम इस तरह की टेक्नोलॉजी में घुस के जिंदगी जीना, ये जो है पूरी तरह से उसको जरूरत के हिसाब से यूज किया जाए, और बाकी जो है उससे निकल कर भी बात की जाए। मैं देखती हूँ आजकल मोस्टली कोई भी लोग मिलते हैं, ज्यादातर वो अपने फोन में ही रहते हैं, दे डोंट केयर कौन उनके साथ बैठा है, कौन उनसे बात कर रहा है, कौन से सवाल कर रहा है, कौन जवाब कर रहा है, दे डोंट टॉक बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑन फोन एंड दे आर बिजी ऑन देयर फोन। आप सवाल करेंगे वो जवाब नहीं देंगे आपको। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अनहैप्पी हैं, फैमिलीज में, सबकी फैमिलीज में डिस्टरबेंस पैदा हो रही है, और सब चीजें जो इसके पीछे की जड़ ये है कि हम एक दूसरे को प्यार नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे की केयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है कि हम अपने अपने फोन में इतने बिजी हैं कि अपना अपनी खुशी हम अपने फोन के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें खुशी हमारे अपनों को खुश रखने में होती है। सो हमें अपने अपनों को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, और ये जो टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और डेफिनेटली मेरे लिए, मुझे मुझे खुद पसंद है कि मैं नए नए लोगों से बात करूं और नए नए लोगों का दिमाग जानूं और उनके दिमाग एक्सप्लोर करूं, और जो कोई बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही अलग अलग टाइप के टैलेंटेड माइंड जब कनेक्ट करते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर फेसबुक पेज पे, तो मैं तो उन यू टू लोगों कनेक्ट से विद देम, फाइन। डेफिनेटली बात करती हूँ, और मुझे अगर लगता है बात करने लायक है तो मैं बात करती हूँ, अगर कोई फिजूल बात करे तो मैं उसे ब्लॉक कर देती हूँ। अब हम जानते हैं इस जी खूबसूरत अभिनेत्री से कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। सर, अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है जो कि जिसका नाम है 3 शाने, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो है अनीस बारूदवाला, और इसके प्रोड्यूसर हैं संजय सुंटकर। ये एक्चुअली हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो हैं ये बैंगलोर के हैं, और लेकिन ये हमारी हिंदी फिल्म है। और उसके बाद में इसमें एक्टर हैं हमारे साथ में, प्रियांशु चटर्जी हैं, देव शर्मा हैं, अनुप्रिया कटोच हैं, और भी काफी सारे आर्टिस्ट इस फिल्म के अंदर हैं, असरानी जी जी हैं, और जरीना वहाब हैं, और मुकेश खन्ना साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। सो ये एक फिल्म जो है ये मेरी रिलीज होने वाली थी, अभी लॉकडाउन क्लियर होगा तो आई थिंक आई शायद नो रिलीज होगी। द सो अब्रीवियर बी इन ओपन सिनेरियो। अबाउट इट।
एंड उसके बाद में यू नो अभी आई 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 हैव टू मूवीज जो कि अभी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है. सो लेट्स सी क्या होता है. यू नो अभी राइट नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस लॉकडाउन टू एंड एंड कोरोना टू एंड. यू नो दिस इज वेरी अनसेफ. सो ये खत्म हो जाए तो उसके बाद में कुछ काम करना चाहूंगी क्योंकि ख्वाहिशें अभी बहुत बाकी हैं और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी कुछ ख्वाहिशें तो पूरी हो जाएं बिकॉज मेरा मकसद है सिर्फ मूवीज करना. तो मैं मूवीज कर नहीं पा रही हूँ इस हिसाब से जिस तरह से लॉकडाउन है. अब एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। आपका सबसे फेवरेट डायरेक्टर, आपका संजय लीला भंसाली और इम्तियाज अली. फेवरेट सिंगर, फेवरेट सिंगर अभी आज की डेट में तो आई आई लाइक मधुश्री जिन्होंने मधुश्री। वो गाना गाया था कभी नीम नीम कभी शहर शहर. वो जी मेरी जी फेवरेट सिंगर है एंड जी आई आई एम डूइंग वन गजल फॉर हर आल्सो. तो ओके शी इज सो अमेजिंग शी इज सो वंडरफुल शी इज सो सोलफुल शी इज माय फ्रेंड एंड आई यस लव हर यस यू नो. ग्रेट। या अर्जुमन मुगल, अगर हॉलीवुड में उन्हें काम करने का मौका मिले तो वो किस डायरेक्टर के यस साथ काम करेंगे हॉलीवुड में, किसके साथ काम करना चाहेंगे? एक्चुअली मैं यू नो हर वक्त हर वक्त में लोग अपना काम करते हैं अच्छा काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और फिर कभी कभी दोबारा अच्छा काम नहीं कर पाते हैं. तो मैं इसलिए सोचती हूँ कि जिस वक्त में मैं हूँ उस वक्त में जो अच्छे डायरेक्टर हैं मैं उन सबके साथ काम करूँ. जो काम कर रहे हैं उन्हीं के दोस्तों साथ काम कर सकते हैं ना सर. काम ही नहीं कर रहे होगा तो बैठे होंगे आराम से और अब काम नहीं कर रहे. उन्होंने पहले अच्छी फिल्में बनाई हैं तो वो थोड़ी काम करेंगे हमारे साथ में. तो जो लोग काम कर रहे हैं वो उन लोगों के साथ उनमें से जो अच्छे हैं उनके साथ काम करना चाहते हैं. जो मुझे समझे मेरे कैलिबर को समझे और ये आइडिया लगा सके कि मैं किस लेवल तक परफॉर्म कर सकती हूँ जिनको इतनी समझ हो कि उन्हें पता हो कि मुझसे क्या करवाना है उन्हें. मैंने आप सबको पहले बोला था कि हम लोग आज एक ऐसी बुद्धिमान लड़की से बात कर रहे हैं, वो उतना ही बोलेगी जितना वो बोलना चाहती हैं, और जो बोलना चाहती है तो उनसे कुछ निकलवाना बड़ा मुश्किल है। मेरा जो है मेरे लिए ऐसा है देखो सवाल चने और जवाब गंदम भी दे सकती हूँ. वाह चने का सवाल चने नहीं दूंगी मैं. चने का सवाल गंदम भी दे सकती हूँ मैं. मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपने इनके जीवन के, इनकी लाइफ के, इनकी पर्सनैलिटी के, इनकी मुस्कान के उन पहलुओं को छुआ है, या इनके बारे में वो जाना है जो जनरली आपको नहीं पता होगा। आई विश कि सोशल मीडिया पर आप इन्हें फॉलो करेंगे, आई विश कि ऐसे ही शायद आप जो लोग इनको देख रहे हैं इस इंटरव्यू में वो भी इनका इंटरव्यू लेंगे कभी किसी दिन, एंड आई विश कि ये इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, इनके सारे ड्रीम पूरे हों। आई विश कि जो इनके साथ काम करना चाहते हैं उनके ड्रीम पूरे हों। अगले इंटरव्यू में एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी एक और शख्सियत से, तब तक के लिए अर्जुमन मुगल, थैंक यू सो मच। आप आई, अपने अपना टाइम दिया, एंड आई फील टोटली यू नो प्राउड बिल्कुल कि मैं आपसे डेफिनेटली मैं कहना हमारी डेफिनेटली एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो वक्त है इस वक्त में क्योंकि सब लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं और बहुत लोग फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं घर में बैठ बैठ के क्योंकि काम करना चाहिए और काम नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से सब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. सो जितने भी परेशान और मजबूर लोग हैं इस वक्त घर में बैठे हुए उन सबसे मैं कहना चाहूंगी कि आप सब जो है ट्राई टू बी पॉजिटिव और अपने आप को जितना हो सकता है पॉजिटिव रखें खुश रखें. यही जिंदगी का मकसद है और प्यार बांटें और कोशिश करें कि सारी जिंदगी की जितनी भी तकलीफें हैं ये प्यार मोहब्बत से खत्म हो जाए. विद दिस थैंक यू ब्यूटिफुल वेरी मच. पॉजिटिव थॉट, विद दिस यू नो ब्यूटिफुल पर्सनैलिटी और एक सकारात्मक सोच वाली एक शानदार अभिनेत्री के साथ हमारा ये जो इंटरव्यू है, आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। डीसी शो में मिलेंगे फिर एक बार एक और शख्सियत का, तब तक के लिए नमस्कार।